हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 से चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहली वीडियो में मैंने कवर करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां जाकर आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेलोग्राम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। एक ही हमें पैरेलोग्राम दिया है और इसमें एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इसमें देखते हैं कि किस टाइप से हम इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने इनकी पैरेलोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से देख लीजिए। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कि पैरेलोग्राम के जो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी के अपोजिट में है एंगल डी, तो अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक इसकी मतलब ये था अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी और थी इसकी, सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम इज 180 डिग्री। इसके एडजस्ट एंगल कौन से हैं, ये और ये, मतलब कि इसके पड़ोसी एंगल। एडजस्ट एंगल मतलब बोलते हैं उसके जो उसके पड़ोसी हैं, तो इसके साथ में इसके पड़ोसी एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों अगर इसके साथ में ये देखूं तो ये दोनों का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम इज 180 डिग्री, और इसके साथ भी देखूं तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा हो गया 80 डिग्री और ये भी हो गया हमारा 80 डिग्री। तो अब ये हमें सोल्व तो कर लिया, लेकिन अगर हम इतना ही करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसी टाइप से बच्चों को मतलब वो फाइंड तो कर देते हैं एंगल, लेकिन पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिख पाते तो फुल नंबर नहीं मिलते, तो हम इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो देखियो, पहले इसमें हमें निकालनी है इसमें वाई की, हमने बी के अपोजिट में कौन है डी, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, तो इसका जो ओरिजिन है वो लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख देते हैं आर इक्वल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसका मतलब एंगल बी कौन सा है, ये, और एंगल डी कौन है, वाई है, तो वाई कितना हो गया 100 डिग्री। इसको हम आंसर है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एंगल एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाला हमारा है 100 डिग्री और इसका जो ऐसे एंगल है ये एक्स है, तो इसको एक्स को हम 100 और ये एक्स प्लस एक्स करेंगे। ठीक है, अभी निकालते हैं। तो एंगल कौन सा है, ये बी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ, इसका रीजन लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम आर 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री, एंगल बी कितना है हमारा यहाँ 100 डिग्री, और एंगल सी को क्या है, एंगल सी कौन सा है, एक्स है, तो प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल एक्स को बाहर निकालेंगे 180 डिग्री, ये इधर 100 प्लस का था, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो एंगल एक्स आ गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, ये एंगल एक्स की वैल्यू आ गई, ये आंसर है, इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू करनी है फाइंड, हमारी वाई की वैल्यू भी फाइंड हो गई, एक्स की भी हो गई, नेक्स्ट बची जेड की। तो जेड की वैल्यू कैसे आएगी, ये तो वैसे भी सिंपल है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये अपोजिट है सी, ए के अपोजिट है, मतलब कि एक्स की वैल्यू जो है वो जेड के इक्वल हो जाएगी। तो इसको इसी टाइप से कर देते हैं, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स, तो एंगल जेड कितना है, तो एंगल जेड भी हो जाएगा क्योंकि एंगल एक्स है 80, तो एंगल जेड हो जाएगा 80 डिग्री। इसका भी रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम आर इक्वल, तो ये हमारा जेड की वैल्यू भी आ गई हमारी 80 डिग्री। इसको बॉक्स में, तो हमने इसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी।
नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें पैरेललोग्राम की फिगर दी हुई है, इस टाइप से बनी हुई है। इसमें एक एंगल दिया है हमें 50 डिग्री, एक्स वाई जेड की इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें इंटीरियर एंगल ना देकर, इंटीरियर एंगल नहीं उसने पूछा, हमें कौन सा पूछा है इसमें, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। एक्स तो इंटीरियर एंगल है, वाई भी इंटीरियर एंगल है, एंड ये जेड जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ ये 50 डिग्री है, तो इसके अपोजिट हमें कौन सा एंगल हो जाएगा, ये भी बन गया 50 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो गया। अब इस वाले को कैसे निकालेंगे, ये हमारी जो लाइन है, ये हमने इसको एक्सटेंड किया इस लाइन को, तो ये एंगल इस पर लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री टोटल 180 डिग्री है, 180 डिग्री से 50 को माइनस कर लेंगे तो ये वाला बच जाएगा हमारा 130 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको हम निकाल लेंगे इसके एडजस्ट एंगल से, एक को निकाल लेंगे और दूसरा इसके अपोजिट में आ जाएगा। अब एडजस्ट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 50 माइनस करेंगे तो वही 130 बचेगा, 130 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा। इसके अपोजिट में है वाई एंगल, वाई एंगल भी कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री का, ठीक है। यहाँ एंगल तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखना भी जरूरी है, फुल मार्क्स लाने के लिए पूरा इसको स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इसको स्टेटमेंट में हम करते हैं, सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। इसको कोई, इस एंगल को कोई नाम दे लेते हैं हम, जैसे हमने इसको एंगल वन नाम दे देते हैं, तो एंगल वन प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके सामने इसका रीजन भी लिख देंगे लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये रीजन लिखना इसका बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों हो गए 180 डिग्री का। एंगल वन तो हमें नहीं पता है निकालना, नहीं एंगल वन तो हमें पता है 50 हमने निकाल लिया, इसको 50 डिग्री प्लस एंगल जेड हमें निकालना है, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री दोनों को प्लस करके। इसमें अब हम इसमें एंगल जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल जेड हमारा आ गया 130 डिग्री, तो ये हमारा एंगल जेड की वैल्यू आ गई। इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमने नाम दिया था इसको एंगल वन, इसकी ये वैल्यू आ गई 50 डिग्री, हम इसकी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल एक्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री, एंगल वन प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी हम इसका रीजन लिख देंगे, एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। तो ये इसका एडजस्ट एंगल ये है, ये इसका पड़ोसी है, ये एक्स एंड ये दोनों मिलकर कितने बनाते हैं 180 डिग्री का। 180 डिग्री का अब हमारे पास एक तो है, ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो एंगल वन की वैल्यू कितनी आई है, 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स अब हम निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल टू 80 से 50 को माइनस किया बच्चा 130 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम नेक्स्ट हमें निकालनी है एंगल वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल है। तो एंगल वाई जो होगा किसके इक्वल में हो जाएगा, एंगल वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, 130 डिग्री। क्यों, इसका भी हम रीजन लिख देंगे। इसका रीजन हो गया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये दो तीन प्रॉपर्टी थी, इनसे लगाकर ही हमने इनके सब जो एंगल थे वो फाइंड कर दिए। इसी टाइप से हमारी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू थी
वो आ गई, यहीं पे हमारी टू पार्ट्स खत्म हो गए। नेक्स्ट के थ्री पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।